हेलो एवरीवन, मोस्ट वेलकम टू माय एकेडमी। इस वीडियो में हम एप्टीट्यूड का एवरेज पार्ट को डिस्कस कर रहे हैं। प्रीवियस जितने भी एवरेज पार्ट मैंने कराया है उसको पहले आप देख लीजिए, क्योंकि उसमें कुछ बेसिक चीज़ें बताई हुई है और कुछ बेसिक क्वेश्चन किए हुए हैं हमने, तो उसको पहले आप देख लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को देखिए। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आपको वीडियो समझ में आएगी और अच्छे से समझ में आएगी। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे ये कहूँगा कि अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जरूर चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि अगर चैनल आप सब्सक्राइब करते हैं तो फ्री है पूरा और आपको सभी माई एकेडमी पर वीडियो जितने भी अपलोड होंगे वो सभी आपको अपडेट मिलते रहेंगे। तो चलिए फर्स्ट इसमें भी हम क्वेश्चन से ही सभी चीज़ों को सीखते जाएंगे, क्वेश्चन और उसको डिस्कस करते जाएंगे। शॉर्ट ट्रिक से कोई भी क्वेश्चन हम शॉर्ट ट्रिक से ही इस्तेमाल करके बनाते हैं, क्योंकि कंपटीशन लेवल हाई चला गया है इसलिए शॉर्ट ट्रिक अपनाने पड़ते हैं। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है, देयर आर 35 स्टूडेंट इन अ हॉस्टल, इफ द नंबर ऑफ स्टूडेंट इंक्रीज बाई 7, द एक्सपेंस यानी खर्चा ऑफ मेस इज इंक्रीज बाई 42 रुपी पर डे, वाइल एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड डिक्रीज बाई 1 रुपी, फाइंड द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ऑफ द मेस। यानी कि एक छात्रावास में 35 छात्राएं हैं, यदि 7 और नए बच्चे आ जाएं तो भोजनालय का प्रतिदिन खर्च 42 रुपया बढ़ जाता है, जबकि प्रत्येक छात्र का प्रतिदिन खर्च 1 रुपया घट जाता है, तो मेस का मूल खर्च ज्ञात कीजिए। देखिए ये जो क्वेश्चन है ये आपका मेंस लेवल का क्वेश्चन है और हम बेसिक क्वेश्चन कर चुके थे तो हम मेंस लेवल का ही क्वेश्चन करेंगे। अगर आप हिंदी मीडियम का स्टूडेंट हैं तो आप हिंदी वाले ये जो पोर्शन है हिंदी का क्वेश्चन इसे आप नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि हम इसे इरेज करने वाले हैं और इंग्लिश रहने दीजिए। हमें पता नहीं है कि खर्च पर स्टूडेंट कितना है, तो हम मान लेते हैं लेट ए रुपी पर डे पर स्टूडेंट खर्च है, खर्च होता है, ये हमने मान लिया कि पर स्टूडेंट ए रुपी का खर्चा हो रहा है पर डे। तो आपका ओरिजिनल एक्सपेंडिचर की हम बात करें, क्योंकि देखिए शुरू में आपके 35 स्टूडेंट ही हैं तो जो भी खर्चा होगा वो 35 स्टूडेंट पे ही खर्चा होगा, यानी ओरिजिनल एक्सपेंडिचर होगा वो 35 रुपी ही होगा, सॉरी 35 स्टूडेंट का ही होगा। अगर एक स्टूडेंट पर एक ए रुपया हमने माना हुआ है और पर डे खर्चा हो रहा है तो 35 स्टूडेंट पे कितना होगा, 35 ए होगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। तो आपके ओरिजिनल एक्सपेंडिचर की बात करें ओरिजिनल एक्सपेंडिचर इक्वल टू हो जाएगा 35 ए रुपी। अब इस क्वेश्चन में जैसे जैसे कह रहा है वैसे वैसे हम इंप्लीमेंट करते जाएंगे और सोल्व हो जाएगा क्वेश्चन अपने आप। देखिएगा कि ये जो 35 ए है खर्चा, ये क्या है, पहले का खर्चा है, ये जब 7 स्टूडेंट नहीं आए हुए हैं पहले का खर्च है, डेली का खर्च है ये 35 ए, डेली का आप यहाँ लिख लीजिए, डेली का खर्चा यानी प्रतिदिन का खर्चा 35 ए रुपी है। अब 7 नए बच्चे आए तो 42 बच्चे हो गए, 35 और 7 42 बच्चे हो गए, तो 42 बच्चे हो गए तो अब इन पे कितना खर्चा आएगा ये हमें यहाँ पता करना है। तो एक स्टूडेंट पर ए रुपया खर्चा है, लेकिन क्वेश्चन में ये कह रहा है देखिए इंक्रीज बाई 7, अगर 7 बच्चों को इंक्रीज करे द एक्सपेंस ऑफ द मेस इज इंक्रीज बाई 12 रुपया पर डे, यानी कि 12 कह रहा हूँ मैं, और 42 रुपया यानी 42 रुपी उसके टोटल खर्चा इंक्रीज करते हैं, बट वाइल एवरेज एक्सपेंडिचर पर हेड डिक्रीज बाई 1 रुपी, बट लेकिन खर्चा जो है पर व्यक्ति 1 रुपया डिक्रीज कर जाता है। तो पहले पर व्यक्ति कितना खर्चा था, एक रुपी खर्चा था एक दिन में एक स्टूडेंट पे, तो अब ए माइनस 1 रुपी माइनस कर दीजिए, इतना खर्चा आ रहा है। तो ये जो खर्च है अब का खर्चा है, ये जो है अब का खर्चा लिख लीजिए यहाँ पे, अब का खर्चा है, यानी कि ए 12 इंटू ए माइनस ए, ये टोटल अब का खर्चा है, और अब जो खर्चा आ रहा है पर स्टूडेंट वो जितने भी स्टूडेंट हैं उन पे 1 रुपया डिक्रीज कर गया है, तो ए माइनस ए रुपया रुपया पर डे पर स्टूडेंट खर्चा आ रहा है। तो यहाँ से एक इक्वेशन आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे, इसमें कह रहा है क्या, द एक्सपेंस ऑफ अ मेस इंक्रीज बाई 12 रुपी, मतलब टोटल अब खर्चे कितने थे, अब पहले तो 35 ए थे लेकिन अब कितना हो रहे हैं,
35A+42 रुपया, क्योंकि 42 रुपया इंक्रीज कर गया है। यही खर्चा तो 42 × a-a के इक्वल है, क्योंकि ये अब जो नए बच्चे आए हैं उनका ये खर्चा है। अब ये इक्वेशन में फॉर्म हो गया। अगर आप यहाँ से इक्वेशन, ये जो आपका था ये 35 ओरिजिनल एक्सपेंडिचर था, यानी ए था और 35 बचे थे, तो यही आपको फाइंड आउट करना है, फाइंड द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर। तो यहाँ से एक इक्वेशन एक अनोन, तो यहाँ से आप 42 को यहाँ इधर लाइएगा 35 को, और इधर को ये लाइएगा 43, और इसको सोल्व कीजिएगा। तो आप यहाँ से निकाल सकते हैं a = 12, यहाँ से आपका 12 निकल आएगा। तो ओरिजिनल एक्सपेंडिचर जो होगा आप यहाँ पे उसको मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए 35 से, ओरिजिनल एक्सपेंडिचर = 35 × a, ए का वैल्यू कितना निकाला हमने 12, तो आपका जो फाइनल 420 ये आपका 420 रुपया, ये रुपया आपका ओरिजिनल एक्सपेंडिचर होगा। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देखिए आप, ये मेंस लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन हमने सिर्फ ये चीज़ मान लिया कि ये हमारा ओरिजिनल खर्चा है, 35 ए जो था ओरिजिनल एक्सपेंडिचर था, और जो अब इंक्रीज 7 बच्चे का होने के 1 रुपया पर हेड खर्चा कम आता है, 1 रुपया डिक्रीज कर जाती है, इसलिए इनका टोटल अब का खर्चा जो होगा 12 × a-1 होगा। और ये इक्वेशन और ये 35A+42 रुपये इंक्रीज करता है, इसके हमने इक्वल किया, तो हम यहाँ से एक इक्वेशन ए अनोन है, सिर्फ एक अनोन है, तो a = 12 आया, और ओरिजिनल एक्सपेंडिचर = 35A, तो 35 में हम 12 से मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो 420 ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है, एक छात्रावास में 42 छात्र हैं, 13 नए बच्चे के दाखिले के कारण मेस का प्रतिदिन का खर्चा 30 रुपया बढ़ जाता है। ये जो 30 रुपया बढ़ रहा है, ये टोटल मेस का खर्चा बढ़ रहा है, पर स्टूडेंट नहीं बढ़ रहा है, जबकि प्रतिदिन प्रति छात्र खर्च, यानी प्रतिदिन प्रति छात्र 3 रुपया घट जाता है, तो मेस का प्रतिदिन का मूल खर्च ज्ञात करें। देखिए ये प्रीवियस क्वेश्चन ही है, थोड़ी सी चेंजेज हैं। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो मैं क्वेश्चन बोल देता हूँ, आप नोट कर लीजिए। देयर वेयर 42 स्टूडेंट इन अ हॉस्टल, ड्यू टू एडमिशन ऑफ 13 new students, एक्सपेंस ऑफ मेस इज इन इंक्रीज बाई ₹30 पर डे, वाइल पर डे एक्सपेंडिचर पर स्टूडेंट इज रिड्यूस बाई ₹3, व्हाट वाज द ओरिजिनल एक्सपेंडिचर ऑफ मेस पर डे। आपको ओरिजिनल एक्सपेंडिचर पूछा गया है, पर डे कितना होगा अगर ये कंडीशन दिया हुआ है 42 छात्र थे और 13 नए दाखिले हो गए, तो 30 रुपया इंक्रीज करता है टोटल खर्चा में, और 3 रुपया प्रति बच्चा खर्चा में कमी आती है। तो इसमें भी आप लेट मान लीजिए, ये रुपया पर डे पर स्टूडेंट ये आपका ओरिजिनल खर्चा है, जो आता था आपको शुरू में ये आता था पर स्टूडेंट, ये रुपया आ रहा है। तो आप ओरिजिनल एक्सपेंडिचर की बात करें, तो ये हो जाएगा 12 बच्चे ए रुपया पर डे खर्चा हो रहा था, 12 × a। बट अब मैं क्या करूं, यहाँ कहूँ 12 a पहले खर्चा आ रहा था, लेकिन अब की बात करूं तो अब 13 बच्चे नए दाखिले हो गए, तो टोटल बच्चे हो गए 42 + 13, यानी कि 55 बच्चे हो गए। अब इन पे 55 बच्चों पे खर्चा क्या आ रहा है, a-3, क्योंकि 3 रुपया खर्चा पे कमी आ रहा है, तो यानी a-3 ये हो गया अब का खर्चा। और a-3 जो है ये है आपका a-3 रुपया पर डे का खर्चा है पर स्टूडेंट का, ये अब का खर्चा है, ये पहले था कितना ये रुपया पर डे था। तो कह रहा है कि यहाँ पे जैसे जैसे क्वेश्चन में कह रहा है वैसे वैसे आप यहाँ नोट डाउन कर लीजिए, 42 बच्चे का मतलब 13 बच्चों को बढ़ जाने की वजह से कितने रुपया पर डे इंक्रीज कर जाता है, 30 रुपया। तो 42 से शुरू का एक्सपेंडिचर था और हमने 30 रुपया इंक्रीज कर गया बच्चों के इंक्रीज करने से, वो खर्चा कितने के बराबर होगा, जो नए बच्चों का खर्चा है जुड़ जाने के बाद 55 × a-3। यहाँ पे भी देखिए आपका एक इक्वेशन रहा है ए, और 55 और 42 और 30 और 3, इसको सोल्व कीजिएगा तो ए का जो वैल्यू आएगा आपका उसे आप निकाल लीजिएगा, और जो आपका ओरिजिनल एक्सपेंडिचर पूछा है यहाँ पे उसे आप 42
इंटू ए जो वैल्यू यहाँ से निकलेगा उसको मल्टीप्लीकेशन कर दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी परीक्षा में 40 छात्रों के औसत अंक 72 है यानी 72 है, 40 छात्र हैं उनका औसत 72 है, बाद में ज्ञात हुआ कि तीन छात्रों के अंकों को गलती से 64, 62 और 84 को 68, 65 और 73 लिख दिया गया, तो सही औसत ज्ञात करें। इंग्लिश मीडियम वाले देख ले। इन एन एक्स एग्जामिनेशन द एवरेज ऑफ 40 स्टूडेंट इज 72। आफ्टरवर्ड्स इट इज फाउंड दैट द मार्क्स ऑफ थ्री स्टूडेंट आर मिसरीड एज 68, 65 एंड 73 इंस्टेंट ऑफ 64, 62 एंड 84 रेस्पेक्टिवली, फाइंड द करेक्ट एवरेज। मैं ये आपका इंग्लिश मीडियम का क्वेश्चन है, आप इरेज कर रहा हूँ, अगर आपको नोट करना है तो नोट कर लीजिए। देखिए इसमें आपको तीन जो डाटा है वो मिसरीड हो गई है, यानी कि गलती से वहाँ पे मिसप्रिंट हो गई है, तो उसको आपको बताना है कि ओरिजिनल क्या रही होगी औसत। तो सबसे पहले आप पता कर लीजिए कि टोटल मार्क्स कितने हैं। तो मैं टोटल मार्क्स की बात करूँ अगर, तो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में निकालना सिखाया भी था, इस लेक्चर में भी देख लीजिए कि 40 छात्र हैं और उनका औसत 72 है, यानी कि पर स्टूडेंट का मार्क्स कितने हुए, 72 मार्क्स, यानी कि 40 इंटू 72 यानी टोटल मार्क्स जो हुए वो हुए 28,80। अब देखिए 68, ये रहा 68, 65 और 73, आपको तीन छात्रों के अंकों को गलती से 64, 62 और 84 को इतना लिख दिया गया, यानी कि ये गलत नंबर लिख दिया गया, जो सही लिखना था वहां लिखना था 64, 62 और 84 लिखना था, यानी कि आपको 68 की जगह 64 लिखना था, यानी 64 की जगह इन्होंने 68 लिख दिया है, 62 की जगह 65 लिख दिया, 84 की जगह 72 लिख दिया। इन तीनों को आप मार्क्स को ऐड कीजिए, इनको और इनको, तो ये 206 आएंगे और ये आएंगे 210। इसका मतलब कि जो भी ये टोटल मार्क्स थे उसमें ये 4 मार्क्स कम है, यानी कि जो मार्क्स गलत लिखे गए हैं वो उनकी एडिशन 206 ही आ रही है, बट सही मार्क्स जो थे, ओरिजिनल मार्क्स थे, उनके एडिशन 210 आ रही है। इसका मतलब 4 मार्क्स इनके कम लिखे गए। अगर वो 4 मार्क्स इसमें हम ऐड कर दें, ठीक, 40 इंटू 72 में ये ऐड कर दें, तो हमारा सही मार्क्स निकल आ जाएगा। तो आप लिख दीजिए राइट मार्क्स की बात करें अगर हम, तो 28,80 + 4 यानी कि 28,84, ये आपका सही मार्क्स रहा, जो गलती से लिखाया था उसमें कम हो गया था, ये गलत था, इसमें कम हो गया था, ये सही मार्क्स की जगह हम जितने डिफरेंस आएगा उतना हम ऐड कर देंगे। अगर ये अधिक होता तो इसका मतलब हम माइनस करते इस मार्क्स में से, बट यहाँ पे कम है तो हम इसे ऐड करेंगे। जो आपका करेक्ट एवरेज जो आएगा, राइट एवरेज, वो क्या होगा, टोटल मार्क्स 28,84 बाई टोटल स्टूडेंट 40 छात्र। एवरेज निकालने का आपको पता ही है कि टोटल मतलब जो भी वैल्यू होती है उसके टोटल एडिशन बाई टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल यानी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसको आप जब डिवाइड कीजिएगा तो ये आएगा 72.1, यानी कि आपका जो 72 अंक औसत दिया हुआ है वो गलत है, 72.1 इज अ करेक्ट आंसर होगा, इसका आंसर आपका ये होगा। तो ये था, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन में कह रहा है 100 छात्राओं का औसत 46 है, लेकिन गलती से 16 और 43 के स्थान पर 61 और 34 ले लिया गया, यानी दो जो डिजिट है यानी दो नंबर है वो मिसप्रिंट हो गए हैं, तो सही औसत ज्ञात करें, जबकि यह भी पाया गया कि कुल संख्या 100 नहीं 90 है। तो अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं तो ठीक, अगर इंग्लिश मीडियम के हैं तो आप क्वेश्चन में बोल देता हूँ इंग्लिश मीडियम में, आप नोट डाउन कर लीजिए। द एवरेज ऑफ 100 नंबर इज 46, बट इट वॉज फाउंड एट टू नंबर्स 16 एंड 43 आर मिस्टेकनली कैलकुलेट एज 61 यानी 61 एंड 34, फाइंड हीज करेक्ट एवरेज, इट वॉज ऑल्सो फाउंड दैट टोटल नंबर आर ओनली 90 यानी 90। देखिए इस क्वेश्चन को हमने प्रीवियस क्वेश्चन जो देखा था अभी इसके पहले,
वैसे ही है, उसी पे ये बेस्ड है क्वेश्चन। और इस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, जितने भी आपके पीएससी के एग्जाम होंगे, गेट, आईएएस और आईएएस में तो हालांकि पूछता नहीं है, लेकिन गेट और एसएससी, सीजीएल, कैट, मैट, जितने भी एग्जाम होते हैं जिसमें एप्टीट्यूड आता है, इस टाइप के बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ले लीजिए टोटल मार्क्स आपके कितने आ रहे हैं। टोटल मार्क्स की बात करें तो 100 बच्चे हैं और 46 एवरेज है इनका, तो टोटल हो गए 4600 मार्क्स। और जो गलती से 61 और 34 लिए गए हैं, वो जो सही मार्क्स थे वो थे 16 और 43, तो इनके एडिशन कर लीजिए, इनके एडिशन 5 और 95, बट इनका एडिशन कीजिएगा तो 59, इसका मतलब प्लस 36 अधिक नंबर आया है इसमें, यानी जो आपके 46 औसत आ रहे हैं इस कारण, क्योंकि इसमें हमने ज़्यादा नंबर ले लिया है, 36 अधिक ले लिया है, इसके डिफरेंस है 36, तो 36 अधिक ले लिया है हमने। तो सबसे पहले टोटल मार्क्स आप निकालिएगा, उसमें से आप 36 टोटल मार्क्स जो है उसमें 36 माइनस कर लीजिए, तो 4600 माइनस 36, तो ये आ जाएगा आपका 4564, जो आपका एवरेज होगा, एवरेज इक्वल टू टोटल नंबर, यानी कि 4564 बाई टोटल आर्टिकल, यानी टोटल नंबर कितने हैं, ये टोटल वैल्यू का एडिशन है और ये टोटल नंबर है, तो नंबर कितने हैं, 100 हैं, लेकिन नहीं, यहाँ पे जो गलती 100 ले लिए गए थे नंबर, अब 90 ही टोटल है इसमें दिया हुआ, पाया गया कि कुल संख्या 19 ही है, तो इसको डिवाइड कर दीजिएगा, तो यहाँ से आपका एवरेज आ जाएगा 50.7, ये आपका आंसर रहा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है तो चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जरूर लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप चाहते हैं कि आपके सभी वीडियो आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे चला जाए, माई एकेडमी के व्हाट्सएप ग्रुप पे, जिसे आप मोबाइल से देख सकते हैं डायरेक्ट, तो व्हाट्सएप ग्रुप है 7503304182, इस नंबर पे आप मैसेज कर दीजिए एडमी, मैं आपको माई एकेडमी के ऑफिशियल व्हाट्सएप ग्रुप से ऐड कर लूँगा। इसका फ़ायदा ये होगा कि आपको डायरेक्ट लिंक चला जाएगा मोबाइल पे सभी माई एकेडमी के वीडियो का, जो भी अपडेट नया आएगा उसका। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।